तो अगर डायबिटीज की बात करेंगे तो आपने इंसुलिन का तो नाम सुना होगा, डेफिनेटली ब्लड शुगर का नाम सुना होगा, बट आपको पता है कि टाइप 2 डायबिटीज ब्लड शुगर प्रॉब्लम होने के पहले एक ब्लड इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है। टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई रहता है। और क्यों हाई रहता है? बिकॉज उतना जो इंसुलिन था उसमें शुगर ठीक नहीं रह रहा था, तो बॉडी को और इंसुलिन छोड़ना पड़ता है वो सेम शुगर मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल थी उसके सामने अपना पैंक्रियास कोप अप नहीं कर पाया, इसके लिए मेरा ब्लड शुगर हाई है। बट हम अगर आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें आपका इंसुलिन लेवल भी हाई दिखता है, हाई शुगर एंड हाई इंसुलिन। तो इसका इलाज क्या होना चाहिए? मेडिसिन के साथ खाली हम इंसुलिन की जो एक्शन है उसको सपोर्ट देते हैं, या वर्स्ट केस हम आपको और इंसुलिन देते हैं, लेकिन अगर हमने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो एक्चुअली आपका ब्लड शुगर जड़ पे या रूट्स पे ट्रीट नहीं हो रहा है। तो एक बार हम इंसुलिन को तो समझ लें कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है। काफी लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूं, तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डायबिटीज की बात क्यों कर रहा है? उनको लगता है कि डायबिटोलॉजिस्ट डायबिटीज की बात करता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंसुलिन एक हार्मोन है और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्मोन का सुपर स्पेशलिस्ट होता है, मतलब MD/BS, उसके बाद MD मेडिसिन और उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन हार्मोन्स के टॉपिक पे। तो ये रहा एक मॉडल इंसुलिन का जो हमने बनाया है ये बीट से। लेकिन ये बॉडी में ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जुड़ के इंसुलिन बनता है। लेकिन बॉडी बहुत होशियार है, बॉडी ऐसे इंसुलिन नहीं बनाती है जिससे आपको बिना खा के भी फिर शुगर लो हो जाएगा। ये सबके मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखा नहीं है डायबिटीज का, तो आपका शुगर बीच बीच में गिरने वाला नहीं है, आपका शुगर हाई है। टाइप 2 डायबिटीज जो बीमारी है उसमें शुगर हाई रहता है, लो नहीं। अगर लो जा रहा है तो वो किसी ने आपको ट्रीटमेंट दिया है इसकी वजह से लो जा रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, तो इंसुलिन जब बॉडी रिलीज करती है उसमें इनबिल्ट सेफ्टी होती है, सेफ्टी मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन कि अननेसेसरली शुगर लो नहीं जाना चाहिए। कैसे? ये देखिए, ये है प्रो इंसुलिन या इनएक्टिव इंसुलिन। जब बॉडी इंसुलिन छोड़ेगी तो ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में छोड़ेगी, जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर ये पेन है तो ये इस समय एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करने के लिए कैप निकालेंगे तब ये एक्टिव है, बाकी के समय कैप में प्रोटेक्टेड होता है। वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट, जब बॉडी इंसुलिन छोड़ती है ये इनएक्टिव फॉर्म है। और ये जो लाल पोर्शन है हम इधर आपको सी पेप्टाइड दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि वो कैप, वो जो पेन का कैप था। तो अगर बॉडी ने डिसाइड किया है कि अब इंसुलिन की एक्टिविटी की जरूरत है, बॉडी में कुछ खाना आया है, ब्लड शुगर चढ़ रहा है ऊपर, तो वो हाई ब्लड शुगर को संभालने के लिए इंसुलिन का काम जरूरी है, तो ये जो सी पेप्टाइड है बॉडी उसको निकाल देती है। और ये रहा आपका सी पेप्टाइड और ये रहा आपका एक्टिव इंसुलिन। अब ये एक्टिव इंसुलिन पूरे बॉडी में घूम सकती है, पूरे बॉडी के हर एक सेल पे काम कर सकती है, और वो जो ब्लड शुगर है उसको बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर डिलीवर कर सकती है। और ये इंसुलिन फिर थोड़े ही मिनट्स में, बहुत कम मिनट में इंसुलिन क्लियर हो जाता है और उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये जो सी पेप्टाइड है ये थोड़े और मिनट्स रह सकता है बॉडी में, जिससे हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन तो चला जाता है मोमेंट टू मोमेंट, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, बहुत लंबा टाइम तक एक ब्लड में दिखता नहीं है, ये ब्लड में हम पकड़ सकते हैं। और अगर आपके ब्लड में ये दिखता है मीन्स आपके बॉडी में इंसुलिन अपना नेचुरल इंसुलिन बन रहा है, क्योंकि जो पेशेंट होता है जो इंसुलिन इंजेक्शन लगा रहा है वो इंजेक्शन में यही होता है, रेडी टू वर्क, रेडी टू गो, जैसे कि जो पेन में कैप नहीं है। और ये इंसुलिन लेने के बाद आपको ये रिस्क चालू हो जाता है कि वो कभी भी आपका शुगर लो जाता है, बिकॉज ये रेडी टू एक्ट एक्टिव इंसुलिन है। जो बॉडी नेचुरल इंसुलिन बनाती है उसमें ये सेफ्टी था सी पेप्टाइड का। ओके, तो ये जो हम आपसे टेस्ट मांग रहे हैं सी पेप्टाइड का, वो देखकर हम आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आपके पैंक्रियास में कितना फंक्शन बाकी है और कितना आपका बॉडी इंसुलिन बना रहा है। तो हम क्यों आपको और मेडिसिंस दें, क्यों ना हम इसको ही यूज करने दें बॉडी को, और हम बॉडी को लाइफस्टाइल चेंज के साथ सपोर्ट करें। तो ये है वो रीजन जिससे हम कोई भी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज से मिलने के पहले यहाँ पे
हम उनको बोलेंगे सी पेप्टाइड टेस्ट करा के लाना। ओके।